हाय दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं जिस प्रोजेक्ट साइट में जो बड़ा बड़ा लोड उठाना पड़ता है, आपका पास क्रेन नहीं होता है, क्रेन को पोजीशन करने के लिए जाएगा नहीं होता है, अप्रोच नहीं होता है, उस कंडीशन में आपको 150 टन 200 टन का माल ऊपर 150 मीटर 100 मीटर का ऊंचाई में ले जाना है, तो आपको कैसे उठाना है उसका। उस टाइम आपका पास एक ही साधन रहता है, विंच मशीन। लेकिन विंच मशीन का कैपेसिटी 10 से 15 टन से ज्यादा होता नहीं, लेकिन आप कैसे इतना ह्यूज मटेरियल ऊपर उठाओगे उसके लिए बहुत साइंटिफिक एंड कैलकुलेशन है। वो कैसे है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। धन्यवाद। हाय, मायसेल्फ जेके हल्दर, मैं एक प्रोजेक्ट इंजीनियर और सेफ्टी इंटरनल ऑडिटर हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे 2-5 टन SWL वाला कैपेसिटी कुएं से 150 से 200 टन लोड 100 मीटर तक ऊपर ले जा सकते हैं। विंच के बारे में तो आपको बताया ही, विंच एक सिलिंड्रिकल ड्रम होता है जो मोटर से इलेक्ट्रिकल मोटर ऑपरेटेड होता है। इसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक एज वेल एज मैनुअल ब्रेकिंग सिस्टम काम करते हैं और क्वालिफाइड ऑपरेटर से चलते हैं। सिमिलरली पुलिस दो किस्म का होता है, गाइड पुलिस और सिप पुली ब्लॉक्स। सिप गाइड पुली ब्लॉक्स लोड विंच का रोप को गाइड करके आपका डेस्टिंग जगह में ले जाता है और सिप पुली ब्लॉक मैक्सिमम मेन लोड को शेयर करते हैं। ये है लोड शेयरिंग सिस्टम है। जैसा कि आप सिप पुली ब्लॉक में जितना लैप ऑफ रोप को आप डालेंगे उसी हिसाब से लोड को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसमें 3 लैप डाला है, 150 टन लोड को 50-50 टन में शेयर हो गया, तो अल्टीमेट एफर्ट 50 टन आएगा। इस हिसाब से हमने लोड को शेयर करके हमने विंच मशीन में काम कर सकता है। यह एक डायग्राम दिखाया गया कैसे हमने विंच का साथ पुली को अरेंज करते हैं। एक विंच है, एक गाइड पुली है, सिप पुली है, दो सिप पुली लगा के हमने लोड को दोनों तरफ से खींच रहा है। ये हमने देखा रहा है 150 टन लोड कैसे हमने उठाने हैं। 140 टन का लोड है, इसमें 2 सिप पुली 85 टन का लगाया गया, इधर 2 सिप पुली 85 टन का है। अल्टीमेटली 70-70 टन एक एक सिस्टम में शेयरिंग होगा, तो इसमें टोटल 8 × 2 16 लैप ऑफ 25 mm का रोप है, जो एक एक रोप अगर मिनिमम कैपेसिटी 5 टन का विंच का SWL लेते हैं तो हमने 16 लैप में 80 टन का लोड शेयर हो जाएगा। इसमें 7 × 2 14 लैप दिया हुआ है, सो 70 टन का लोड शेयरिंग हो जाएगा, तो अल्टीमेटली सिंगल लैप 5 टन तक ए विंच को ले जाएगा। तो अल्टीमेटली SWL 5 टन होने से ये पूरा लोड उठ जाएगा। हमने इसको सेफ्टी फैक्टर के लिए इससे 5 टन का जगह हमने 20 टन का हमने गाइड पुली लगाया और विंच का कैपेसिटी ऐसा 10-15 टन का है, लेकिन उसका SWL 5 टन ही दिया हुआ है, सो हमने सेफली इसको उठा सकते हैं। ये सारे अरेंजमेंट है, इसमें रोप डायमीटर 25 mm है, इसका 8 टन का कैपेसिटी है, सो हमने मिनिमम लोड को लेकर चलना है। विंच का मिनिमम लोड है दैट इज 5 टन, तो हमने उठा सकते हैं। हमने कुछ टर्मिनोलॉजी को याद रखना जब विंच को ऑपरेट करेंगे, जैसे ड्राम कैपेसिटी मतलब कितना अमाउंट रोप को हम इसमें ड्राम में डाल सकते हैं, उसका बहुत कैलकुलेशन फार्मूला होता है। जैसे ए एंड दिस इज बी माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्लिंग फैक्टर इनटू रोप डाया का होल स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ रोप डाया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना डाया बढ़ेगा लेंथ उतना घटना चाहिए। इसमें 25-30% लेस लेंथ रखना जरूरी है। हमें ये भी ध्यान देना है जो हमारा एंकर रैप्स इसमें काम करना चाहिए, मतलब 3 से 4 लैप्स रोप इसको सेफ्टी फैक्टर के लिए हमें ड्राम के लपेट के रखना चाहिए, नहीं तो ये डैमेज कर सकता है। हमने फ्लीट एंगल का भी ध्यान देना है। फ्लीट एंगल क्या होता है, जो नियरेस्ट पुली होता है वहीं से वो 15 मीटर के आसपास डिस्टेंस में होता है, उसमें 1.5 से 2 डिग्री का एंगल मैक्सिमम रखना है सेंट्रल लाइन से, अदरवाइज ऑफसेट हो जाएगी और ड्राम में जो जब रोप वाइंडिंग होगी तो उसमें लूज वाइंडिंग होगी, उसमें सीवियर डैमेज हो सकता है। और इसको सेफ्टी फैक्टर के लिए ओवर रोट रिले सिस्टम इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड सिस्टम एंगेज कर सकते हैं, जिसमें ए
एक्सेस लोड होगा तो इसको ऑपरेट होने में रोक देगा। इससे हमने जान सकते, हमने जब इस इतना भारी लोड उठाएंगे हमें कुछ सेफ्टी फैक्टर को ध्यान में देना जरूरी है। तो हमने विजुअल चेक से हर एक लिफ्टिंग गियर्स का क्या क्या डैमेज हो सकता है उसका रिस्क एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। उसमें ये सब फेलियर हो सकता है जो हमने विंच का पुलिस का क्या क्या हो सकता है हमने इसमें स्लाइड में दिखाया गया। सिमिलरली रोप्स में डी साइकिल में वो हो सकता है, इसमें बहुत सारी कीप हो सकता है, बाढ़ में ये सारी चीज़ हो सकता है। अल्टीमेटली सेफ्टी प्रिकॉशन, अल्टीमेटली इंटायर ऑपरेशन टू बी कैरिड आउट अंडर प्रॉपर सेफ्टी। तो प्रॉपर सेफ्टी मेंटेन करने के लिए आपको एक सेफ्टी प्लानिंग बहुत अत्यावश्यक है। इसके लिए आपको प्लान करना बहुत जरूरी है, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ सेफ्टी फैक्टर बेस्ड ऑन सेफ्टी एनालिसिस एंड रिस्क असेसमेंट। तो उसका अनुसार आपको मेथोडोलॉजी परमिट ये सिस्टम बनाना है और उसमें सारे ट्रेन और फैमिलियराइज पर्सन को ही रखना है, बाकी अनऑथराइज पर्सन को आसपास नहीं रखना है। और जितना हो सकता मैनुअल इंस्ट्रक्शन रखने का ज़रूरत है और सिग्नल मैन एंड ऑपरेटर का कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। देन सारी चीज़ का पीरियोडिक इंस्पेक्शन का रिकॉर्ड होना चाहिए और सारे पीपीस एंड सेफ्टी गैजेट्स अवेलेबल होना चाहिए। ये सारे फैक्टर्स हमें सेफ्टी फैक्टर को ध्यान में रख के पूरा ऑपरेशन करना चाहिए, तब हम सक्सेसफुली इस ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। धन्यवाद लिसनिंग सुनने के लिए, और इसको आपको अच्छा लगे हमें फीडबैक कमेंट जरूर कीजिए, ये आपको काम में आने वाला है। थैंक यू।